नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तर और स्वागत है आप सभी का तेज तर्रार में। 4 मई को हाल ही में दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जीएसटी ऑफिसर्स की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें डिसाइड किया गया था कि 2 महीने की एक खास मुहिम चलाई जाएगी जिसमें जीएसटी के छापे होंगे। और ऐसे में कई लोगों के मन में ये भी सवाल होते हैं कि आखिरकार इन छापों में क्या होगा, किन लोगों को डरने की ज़रूरत है, किन लोगों को नहीं डरने की ज़रूरत, कब से कब तक ये ड्राइव चलाएगी। तो इन सब सवालों को जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीए अशोक अरोड़ा जी। एक बार इनके साथ जुड़ते हैं और इनसे ही जानते हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं अशोक अरोड़ा, सीए बाय प्रोफेशन। बहुत अच्छा लगा आप मेरे पास आए और मुझसे ये सवाल आप इस ड्राइव के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, ये 4 मई को ये एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसके तहत में जितने भी जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक मुहिम चलाई है कि जिसमें जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैं उनको वेरीफाई किया जाए। तो 16 मई से लेकर 15 जुलाई तक की ये ड्राइव है जिसके अंदर फेक रजिस्ट्रेशन को ट्रेस करने का काम किया जाएगा। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि जैसे 2 महीने की ड्राइव चलाई, तो 2 महीने में जितने भी फेक रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन, तो सबके सब पकड़े जाएंगे ये? देखिए, ये ड्राइव सिर्फ 2 महीने की चलाई गई है। अगर इस ये लोग इसको आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल ये 2 महीने तक इसमें ये इनको एक रिपोर्ट पेश करनी है कि भाई जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशंस हैं जो हमने वेरीफाई किए और क्या उसमें कितने फेक रजिस्ट्रेशंस पाए गए। इसमें जीएसटी डिपार्टमेंट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इन एक लिस्ट के द्वारा, जो कि जीएसटी नेटवर्क के थ्रू डेटा एनालिटिक्स के थ्रू एक लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी जिसमें ये वेरीफाई करेंगे जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैं उनके ऊपर फिजिकली वेरीफाई कर ये पता लगाएंगे कि क्या वो फेक तो नहीं है, क्या वहाँ पर वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस तरीके से, ताकि अगर उनको कोई ऐसा कोई भी डाउट होता है तो फिर वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो जैसे मतलब हो सकता है कि 2 महीने से ज़्यादा भी बढ़ जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है। और इसमें जैसे कि कई लोग ऐसे हैं कि ड्राइव का नाम सुनकर कि छापे होंगे जीएसटी के, तो कई लोग ऐसे कि काफ़ी ज़्यादा डर रहे होंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें कोई ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है उन लोगों को? देखिए, जो जेन्युइन बिजनेसमैन है उसे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर देखिए, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप अपने बिज़नेस पे बैठे हैं और अगर आप अपने बिज़नेस को सही तरीके से चला रहे हैं, सारे जीएसटी की कंप्लायंसेस आप पूरे कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी इस ड्राइव से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप अपने बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन पे जिस एड्रेस पे आप बैठे हुए हैं, अगर उस एड्रेस वो एड्रेस आपके जीएसटी के सर्टिफिकेट पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, और जिस प्रमाइसिस पर आप बैठे हैं उस प्रमाइसिस के बाहर आपका बोर्ड लगा होना चाहिए और उस पर जीएसटी नंबर मेंशन होना चाहिए। अच्छा, अगर जीएसटी नंबर मेंशन होगा तो शायद से वो कम उसमें दायरे में आएंगे? नहीं, देखिए, ये एक प्रक्रिया है, ये एक मेथड है जिसके द्वारा ये जानना जीएसटी ऑफिसर के लिए इजी हो जाता है कि आप उस एड्रेस पर सही तरीके से बैठे हैं और जीएसटी के कंप्लायंसेस पूरे कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कोई रेजिडेंशियल प्लेस होती है, जैसे मेनली पूरी जो ऑफिशियल प्लेसेस होती है उनमें ही जीएसटी नंबर्स होते हैं कमर्शियल प्लेसेस पे, कोई रेजिडेंशियल प्लेस में भी ले सकते हैं जीएसटी नंबर, उसमें कोई प्रॉब्लम? मेरे पास कई तरह के इस तरह के सवाल आते हैं कि क्या हम रेजिडेंस प्लेसेस पर जीएसटी नंबर ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। देखिए, जीएसटी में ऐसा कहीं कोई लॉ नहीं है जिसमें ये मेंशन हो कि आप रेजिडेंस प्लेस पर जीएसटी नहीं ले सकते। आप ले सकते हैं अगर आप एक स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर हैं या आपका काम छोटा है, तो आप अगर आप वो घर से कर सकते हैं तो आप उस जीएसटी नंबर को घर से ले सकते हैं। और अगर एक जगह पे एक से ज़्यादा जीएसटी नंबर पाए जाते हैं तो क्या वो कैसे कंसीडर होगा वो? देखिए, आप एक प्लेस पर नॉर्मली एक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, बट आप एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि भाई आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये एरिया इस रजिस्ट्रेशन के लिए और ये एरिया सेपरेट इस रजिस्ट्रेशन के लिए है। बट ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल डाउट क्रिएट करे कि आपने वहाँ पर 100 रजिस्ट्रेशन ले रखे हों। तो आप एक से ज़्यादा ले सकते हैं, बट वो रीज़नेबल होना चाहिए। और जैसे कि अब जैसे छापे चलेंगे 2 महीने लगातार, तो उसमें कोई फेक रजिस्ट्रेशन पकड़ा जाता है तो उसको क्या सज़ा दी जाएगी, क्या उसके लिए?
देखिए, इस ड्राइव के दौरान अगर कोई भी फेक रजिस्ट्रेशन पकड़ा जाता है तो सेक्शन 29 ऑफ CGST एक्ट 2017 उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जाएगा और उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी किया जाएगा, और जितने भी उसने बिल पास ऑन किए हैं, रॉन्ग ITC पास ऑन किया है, जिन जिन GSTR 1 में जितनी भी कंपनी को उसने रॉन्ग ITC पास ऑन किया है उनको भी नोटिस देकर सेम कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और अब जैसे सरकार ने इतना बड़ा कदम ये उठाया है तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, क्यों सरकार द्वारा ये छापे चल रहे हैं? देखिए, सरकार जो है वो इंश्योर करना चाहती है इंटेग्रिटी ऑफ द GST सिस्टम एंड मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी इन द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, यानी कि सरकार चाहती है कि ट्रू GST सिस्टम चाहती है जिसके अंदर कोई भी फेक ITC पास ऑन ना हो रहा हो, और ये सरकार चाहेगी भी नहीं कि उसमें फेक रजिस्ट्रेशन हों, इसीलिए उनको रिमूव करने की ये ड्राइव है। तो आपको ऐसा लगता है कि 2 महीने की इस ड्राइव में या फिर अगर ये आगे भी बढ़े तो ज़्यादा से ज़्यादा फेक रजिस्ट्रेशंस पकड़े जाएंगे या फिर कुछ फ़ायदा होगा सरकार को GST वसूलने में? देखिए, बिल्कुल फ़ायदा होगा। ये ड्राइव जो सरकार ये पहले भी चला रही थी, बट ये अभी नोटिफिकेशन के द्वारा इन्होंने स्पेसिफिकली ये ड्राइव चलाई है, तो इसीलिए आप लोगों को ये पता चला है, बट ये ड्राइव शुरू से चलती आ रही है, आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि देखिए फेक रजिस्ट्रेशन से सरकार को टैक्स का घाटा होता है और सरकार का नुकसान होता है, इसीलिए टैक्स पेयर का भी, जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उनके लिए भी हार्डशिप्स होती हैं, तो इसीलिए ये ड्राइव चलना बहुत ज़रूरी है जिससे कि फेक रजिस्ट्रेशन जो हैं वो रिमूव कर दिए जाएं सिस्टम से। अच्छा, एक और चीज़ पूछनी थी कि मतलब लोग जैसे फेक रजिस्ट्रेशन बनवा लेते हैं तो ऐसा कुछ तरीका हो सकता है कि जिनमें लोगों को प्रॉफिट भी हो और फेक रजिस्ट्रेशन बनवाने की ज़रूरत भी ना पड़े? देखिए, फेक रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि कोई खुद से बेफेक रजिस्ट्रेशन बना लेता है। फेक रजिस्ट्रेशन, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फेक रजिस्ट्रेशन क्या होता है। फेक रजिस्ट्रेशन होता है एक ऐसे इंसान के नाम पर आपने एक फेक रजिस्ट्रेशन ले लिया जिसको पता भी नहीं है कि आपने GST नंबर ले रखा है, और उस रजिस्ट्रेशन से फेक ITC पास ऑन होता है दूसरे नंबर, बिना गुड्स को बेचे हुए एक बिल काटा जाता है, जो बिल पास ऑन होता है उससे ITC पास ऑन होता है दूसरी तरफ, और एक सिस्टम में एक रॉन्ग ITC आ जाता है हमारे GST नेटवर्क के अंदर, और एक फेक ITC पास ऑन होने से हमारा सिस्टम जो है वो एक गलत GST प्रेजेंटेशन देता है जो सरकार के पास एक्चुअल में GST फिर वो नहीं पहुंचता। तो इसे एक तरीके से GST में चोरी कह सकते हैं? इसे आप GST की चोरी ही कहेंगे, क्योंकि फेक रजिस्ट्रेशन बेसिकली GST की चोरी के लिए ही बनाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी जानकारी आपने दी हमें। तो ये थे हमारे साथ CA अशोक अरोड़ा जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से GST की ड्राइव सरकार द्वारा चलाई गई है, किन लोगों को इससे डरने की ज़रूरत है, किन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्या कुछ इस ड्राइव में होगा, कितने फेक रजिस्ट्रेशन पकड़े जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसको लेकर जो भी आपकी राय है, जो भी आपके सवाल है, आप हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।